मुरादाबाद जनपद के तहसील व थाना कांट अंतर्गत एक संभ्रांत नागरिक मास्टर शमीम अहमद सरकारी स्कूल में अध्यापक के विरुद्ध एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए क्षेत्रीय सभासद एवं संभ्रांत नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी को प्रतिनिधि मंडल द्वारा शपथ पत्र एवं ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मास्टर शमीम अहमद चौधरीयन उमरीकला थाना कांट निवासी शांति प्रिय व्यक्ति हैं तथा काफी समय से सरकारी सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इनके खिलाफ थाना कांट में धारा 363 504 के अंतर्गत एक रंजिशन मुकदमा इनके विरोधियों द्वारा एक महिला का सहारा लेकर दर्ज कराया गया है, जो कि झूठा एवं बेबुनियाद मुकदमा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के बयान को इस मुकदमे की विवेचना में शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है। क्षेत्रीय सभासद अकील अहमद व अन्य लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर मौजूद पत्रकारों को बताया कि मास्टर शमीम अहमद एक संभ्रांत नागरिक है, उन पर रंजिश से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रतिनिधि मंडल में खतीब शब्बर, शमीउद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद शरीफ हाजी, मतीन मोहम्मद, दानिश एवं फकरुल हसन सहित अनेक संभ्रांत नागरिक शामिल रहे। ये जो समस्या है हमारे यहाँ की, एक लड़की है जिसका नाम है, उसके बाप का नाम है चौवा, मोहल्ला कुरेशान में वो रहती है और आए दिन उसने जो है पैसा बना रखा है लोगों से कि कुछ लोग उम्र के जो दो चार है वो मास्टर शमीम के रंजिशन चुनाव की वजह से खिलाफ है और उसी वजह से दो चार लोगों ने उसको बेका कर इससे पहले भी कई बार मास्टर शमीम पे हमले किए गए, मुकदमे लिखवाए गए, लेकिन उन्होंने जाँच करा के निस्वार्थ जो है अपने आप को बचा लिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में जो है ये रंजिशन एक लड़की को अपने फेवर में करके, जिसका नाम बाप का नाम चौवा है, उसके उसको बेका के कुछ दबंग लड़के जो लोग हैं उम्र के, उन लोगों ने उसको बेका के कुछ पैसे दे के मास्टर शमीम के खिलाफ क्षेत्र के मुकदमे में जो है एक FIR दर्ज कराई और शिकायत कराई। उस सिलसिले में जो लोग ये उम्र के सम्मानित आपके सामने खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 90 साल तक की उम्र के सामने लोग खड़े हैं और आप जानते हैं जो पुराने लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन से अधिकारी के पास आए, क्या चाहते हैं? हम SSP साहब के पास आए ज्ञापन लेके, उनसे बात करनी है हमें इस सिलसिले में कि आज मास्टर शमीम के ऊपर केस लगा है, कल को हमारे ऊपर वो केस लगाएगी और हमें जो है हमारी बस्ती वालों को इससे खतरा है, हमें डर है, एक भय बना हुआ है उम्र के अंदर और हम इससे बचना चाहते हैं। तो हम इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं कि मास्टर शमीम एक अच्छे आदमी हैं, अध्यापक हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कोई कानून कार्रवाई ना हो, इसलिए हम पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि भाई इनको इस दोष से बरी कर दिया जाए। कितने ग्रामीण होंगे जो आज यहाँ पर आए? यहाँ करीब कोई 12-13 आदमी हैं। ज्यादा चाहते हैं आप? बस हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मास्टर शमीम बरी हो जाने चाहिए, इस केस से बुरी तरह से फंसा दिया गया।